अच्छा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सोशल साइंस के पेपर के लिए आपको एक पेपर बताऊंगा जो कि 26 फरवरी के दिन आपका आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। लोग भारत में ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947 में भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1972। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कौन सी है? देखो प्राथमिक क्षेत्र में आता है अपना खेती बाड़ी से संबंधित काम, तो केवल यहाँ पर मछली पकड़ना ही है, गाँव का ग्रामीण क्षेत्र वाला काम। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल, और साक्षरता वाला राज्यों क्या? केरल। दांडी नमक मार्च समाप्त हुआ था, ठीक है, यहाँ से अपन इसका इतना इतना कर सकते हैं, यहाँ से हो गया ये। रिक्त स्थानों को देखिए, लोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती। भारत में केंद्रीय सरकार ज्यादा शक्तिशाली होती है। तृतीयक क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। खिलाफत समिति का गठन होगा था, और ये आपका यहाँ से दूसरे का इंग्लिश मीडियम का देख लीजिएगा, है ना, पूरी रहेगी, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सूचना आप सबको देना है, यहाँ पर ये इसको इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ से अपने चैनल को फॉलो कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बच्चों के पास ये शो नहीं हो रहा है, ये पेपर है ना, कर लेना बेटा, ना रात में कोई भी चीज़ आएगी तो मैं डाल दूंगा। कई बार सो नहीं हो रहा तो सेटिंगों को देखो, अपनी सेटिंग में कोई गड़बड़ है इसलिए आपके पास सो नहीं हो रहा है ना। अब तो फॉलो करके रख लेना, है ना भैया, बढ़िया से, है ना भैया। चलिए तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लिए। चलिए तो यहाँ से जुड़िए, संगठित क्षेत्र का जाए कारखाना अधिनियम, नई आर्थिक नीति लागू की गई 1991 में। फ्रेडरिक सारियू का जाएगा यहाँ पर फ्रांस। वंदे मातरम का जाएगा आपका यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कपास का जाए महाराष्ट्र। आधी से ज्यादा आबादी गरीब जो है वो बांग्लादेश की है ना, सबसे गरीब राज्य है बांग्लादेश। ये यहाँ से इसको देख सकते हैं आप। पार्टियां सत्ता में के लिए आपस में क्या करती, कंपटीशन करती है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है, IT। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी, ठीक है, तो एलगिल मिल खोली गई थी। मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान पर था, 31वां। आनंद मठ के उपन्यास बंकिम चंद चट्टोपाध्याय, ठीक है भैया, यहाँ से अपन बात करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये आपको करना है कंप्लीट, हो गया। अब है सत्य असत्य, यहाँ से देखो सत्य सत्य। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खेती बाड़ी आती है, बिल्कुल राइट बात है। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं का मूल्य असत्य है। सिविल का यहाँ से देखिए तीसरा जो है अपना यहाँ पर, तीसरा आपका असत्य रहेगा, है ना भैया, तीसरा क्या रहेगा आपका, असत्य रहेगा, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए तो ये आपका तीसरा हो गया असत्य, चौथा यहाँ पाँचवा छठा अपने टिक मार के कर ही लिया है ना। चलिए हो गया इतना यहाँ तक। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लाल और लैटेलाइट मिट्टी में अंतर। एजेंडा 21 के इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या करनी है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय। खरीफ और रबी जायात की फसलों को उदाहरण सहित समझाना है। नगद और व्यापारिक फसलों से क्या सी है। विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। परिवहन एवं संचार के साधनों में अंतर। भारत के लिए सीमांत सड़कों की महत्वता को स्पष्ट करना है। पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास को किस प्रकार योगदान दिया। भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों की समस्याओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, यही प्रश्न आ रहा है भाई, याद कर लेना। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी राष्ट्र कौन कौन से। निषेधाधिकार का क्या अर्थ है। स्टेपल फुलर रिकॉर्डिंग से क्या से है। भारतीय सौदागरों में निर्यात व्यापार का नेटवर्क किस प्रकार का था। प्लाटेन से क्या से है। बेल्जियम में जाति संरचना जटिल कैसे होती है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। मुद्रण क्रांति और उसके प्रभाव आपको बताने हैं। खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी के अंतर। द्वितीय क्षेत्र की दो विशेषताएं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। वैश्वीकरण से आपका समझते। भारत में पाए जाने वाली लोहा या इसकी 4 पेटियां लिखे। लोहा और इस्पात को उद्योग को आधारभूत उद्योग को कहा जाता है। भारत के केंद्र राज्यों के संबंध पर टिप्पणी लिखिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपका ध्यान से देख सकते हैं।